नमस्कार साथियों, आज कांग्रेस अध्यक्ष माननीय खड़गे जी, हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी, संगठन महासचिव श्री केसी वेणुगोपाल जी, उन्होंने मध्य प्रदेश के सब नेताओं से चुनाव का के नतीजे के बारे में तफसील से विश्लेषण किया। सब नेताओं ने, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी ने, विपक्ष के हमारे पूर्व नेता गोविंद सिंह जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह जी ने, वर्किंग कमेटी के हमारे सदस्य कमलेश्वर पटेल जी ने, चुनाव समिति के हमारे सदस्य ओमकार मरकम जी ने, सभी नेताओं ने, पार्टी के सचिव गणों ने अपने अपने अनुभव चुनाव को लेकर उनसे साझा किए। हार के कारणों पर बड़े खुले मन से चर्चा हुई। हमसे कहां कमियां रही मध्य प्रदेश का मन जीतने में, मध्य प्रदेश की जनता का मन जीतने में, इस पर भी बड़े खुले मन से आत्म मंथन भी हुआ, विश्लेषण भी हुआ और चर्चा भी हुई। वो सारे बिंदु जो हम सब साथियों के मन में थे, समेत मेरे, सौहार्दपूर्ण वातावरण में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल जी के समक्ष रख दिए गए और उन्हें अधिकृत किया गया कि अगली संगठन और विधायक दल की कार्यवाही के लिए वो अपना मार्गदर्शन हमें दें। कांग्रेस अध्यक्ष जी ने सारी बातें बड़ी विस्तृत तरीके से सौहार्दपूर्ण वातावरण में सुनी, राहुल जी ने सुनी, कुछ सुझाव भी उन्होंने भविष्य को लेकर हमें दिए और आगे का निर्णय अब कांग्रेस अध्यक्ष माननीय खड़गे साहब पर हमने छोड़ दिया कि वो हमें मार्गदर्शन दें कि किस प्रकार से संगठन की रचना हो, संगठन को आगे बढ़ाएं। और हमने उन्हें अनुरोध किया कि विधायक दल की बैठक के लिए भी पर्यवेक्षक जल्दी से नियुक्त कर दिया जाए ताकि वहां जाकर विधायक साथियों की राय लेकर विपक्ष का जो अगला नेता तय होना है वो भी हो और हम मध्य प्रदेश की जनता की सेवा में जुट जाएं। मध्य प्रदेश के 8.5 करोड़ मतदाताओं से विनम्रता से हाथ जोड़कर मैं केवल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से कहूँगा कि हम एक सजग पहरेदार की तरह आपके अधिकारों की रक्षा करेंगे। हमारे आदिवासी भाई बहन हों, हमारे पिछड़े साथी हों वर्गों के, हमारे दलित साथी हों, गरीब हों, युवा हों, महिलाएं हों, भारतीय जनता पार्टी ने जो अनेकों वादे किए थे, हम एक पहरेदार के तौर पर ये सुनिश्चित करेंगे कि विधानसभा के अंदर और बाहर वो लागू हों। और हर बार जब एक व्यक्ति पर भी अगर अन्याय होगा तो कांग्रेस के कार्यकर्ता साथी, कांग्रेस के नेतागण मध्य प्रदेश के उस व्यक्ति के साथ खड़े होंगे। वो हमारे किसान भाई हों, हमारे गरीब भाई हों, युवा हों या महिला हों, हम आपके निर्णय को सर झुकाकर स्वीकार करते हैं और उस निर्णय को स्वीकारते हुए विपक्ष की जो भूमिका अदा करने का आदेश कांग्रेस पार्टी को दिया है वो हम करते रहें।